नमस्कार आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स मैं हूं ज्ञानेश चौहान इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है खबर यह है कि कमलनाथ सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है फ्लोर टेस्ट से क्योंकि आज मध्य प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र होना था और कमलनाथ सरकार को आज फ्लोर टेस्ट देना था लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के खौफ की वजह से उसे बचाव के लिए ये फैसला लिया गया है कि इसे फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा यानी कि अब 26 मार्च को फिर से ये होगा क्या है पूरा अपडेट शुरू से आज तक आज पूरा दिन भर क्या उठा पटक हुई है वो सारी अपडेट हम आपको देते हैं तो क्या लगता है आप क्या अभी आने आने वाले समय में क्या होने वाला है देखिए सबसे पहले मैं आज की अपडेट आपको दे देता हूँ हुआ ये है कि कोरोना की वजह से जो विधानसभा का सत्र है उसे सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए और कहा गया है कि अब छब्बीस मार्च के बाद इसको छब्बीस मार्च के बाद इस पर जो आगे की फ्लोर टेस्ट होगा कब होगा इसके बारे में बताया जाएगा तो आज सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक बसों से ले जाए गए वहाँ विधानसभा और इससे पहले दोनों अलग अलग, अलग होटलों में इनको रोका गया था इसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले यही था कि आज क्योंकि सबके सब मास्क वगैरह लगा कर आए हुए थे उसके बाद धीरे धीरे जब ये अंदर बैठना शुरू हुए फिर सस्पेंसेज पर पहले से बना हुआ था कि आज फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होना है फिर सबसे पहले वहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं एन पी प्रजापति वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर लालजी टंडन जो राज्यपाल हैं वो वहाँ पर आए तो फिर वहाँ सबसे पहले राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन उनका वहाँ पर अभिभाषण होना था तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो इस दौरान वहाँ पर हंगामा होने लगा फिर हंगामे के दौरान आ, बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा जो है उन्होंने पूछना मतलब वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि आप ये जो अभिभाषण पढ़ने आए हैं ये अभिभाषण तो उस सरकार का जो अल्पमत में है तो इसके बाद हंगामा हुआ पर उस दौरान प्रजापति जो है और टंडन जो है वो मतलब अपना अभिभाषण पढ़ उन्होंने एक मिनट में यह अभिभाषण अपना खत्म कर दिया इस दौरान फिर उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा को बारह बजे तक के लिए फिर बारह बजे के बाद जब दोबारा स्पीकर वहाँ पर आए तो स्पीकर ने आए और डायरेक्ट उन्होंने ये बोला एक नोटिफिकेशन पढ़ा और कहा कि सत्र को 26 तारीख के तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है बिल्कुल तो जैसे 26 तारीख के लिए सस्पेंड हो गया है तो इस दौरान क्या लगता है कमलनाथ सरकार को थोड़ा जो समय मिल गया है तो इस दौरान कोई क्या कुछ बदलाव आ सकता है जी, है। अभी सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि जो विधायक बेंगलुरु में मौजूद हैं कांग्रेस के बागी विधायक वो हैं कहाँ क्योंकि सुबह से कोई उनका कोई अपडेट नहीं है कल से कि वो इस इस तरह उन्हें किसी तरह से छु, छुपा कर वापस लाया गया है मध्य प्रदेश या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है वो यहाँ आएंगे उसके बाद जैसा कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस ने इससे पहले मतलब कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने एक लेटर लिखा था राज्यपाल को कि जो विधायक हैं उनको यहाँ पर बंधक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से तो अब उन पर वो उनके मतलब जो बागी हैं वो सिंधिया के साथ बने रहते हैं या फिर पाला शिफ्ट करके उस तरफ आते हैं इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते और 26 तारीख अभी बहुत दूर है हो सकता है इस दौरान बहुत सी नई चीजें इसमें निकल कर आएंगी अच्छा एक खबर और सामने ये आ रही है कि अभी बीजेपी ये कह रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आज की जो स्थगित कर दिया गया है उससे मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से नुकसान हुआ है हाँ हाँ बीजेपी ये चाहती थी कि अगर आज वहां पर फ्लोर टेस्ट हो जाता तो उनके पास एक तरीके से अगर वो विधायक नहीं पहुंचते कांग्रेस वाले तो उनके पास बहुमत होता और वो साबित कर देते इस वजह से से उन्हें लग रहा है कि ये फैसला एक तरीके से उनके हक में नहीं है और स्पीकर ने उनके खिलाफ एक तरीके से बात कही है बिल्कुल तो अब वो जा सकते हैं उन, अब यही आ रहा है कि उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है और वो कोर्ट जाने की बात चल रही है मतलब अभी भी वहाँ नारेबाजी वगैरह चल रही है ना जी ये फिलहाल वहाँ पर नारेबाजी चल रही है और उनकी तरफ से कोर्ट जाने की बात आ रही है सामने बार बार बिल्कुल तो अभी जैसे 26 मार्च को जो फिर से सत्र शुरू होगा जी। तो क्या लगता है संभावना उस दिन भी ऐसा कोई हंगामा होने का चांसेस है या फिर क्या देखे देखे सबसे बड़ी, बड़ी बात, बात है कि फ्लोर टेस्ट पे स्थिति साफ नहीं है कमलनाथ सरकार अभी तक कह रही है कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं पर अगर ऐसा होता तो हो सकता है वो आज दबाव बनाकर फ्लोर टेस्ट आज ही करवाते पर ऐसा उनकी तरफ से अभी नहीं किया गया तो फ्लोर टेस्ट उस दिन भी होगा या नहीं होगा इस पर साफ कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल तो मध्य प्रदेश में जो सियासी भूचाल जो मचा हुआ है उससे जुड़ा लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार और आपने अगर अभी तक ये चैनल लाइक नहीं किया है अभी तक आपने अगर इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर यूट्यूब पर आप हमें देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें